अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज रात को हम लोगों की दावत है ताजमहल होटल में, जो कि हमारे इस खलबट के शहर में नया नया बना है। दरअसल वो शादी की दावत है और इस वक्त जो है आप लोग देख सकते हैं कि 12:30 हो रहे हैं और मैं अपने जो है यहाँ पर पेट्स के साथ बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, और गर्मी लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी सर्दी लगती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि धूप लगा लें। नमाज का वक्त भी होने वाला है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ताजमहल का व्यू दिखाऊंगा। बड़ा ही खूबसूरत है होटल है और यहाँ पर जो है हम लोग अभी रात को जाएंगे और मैं आपको उसका व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसा है दिखने में, और खाने भी दिखाऊंगा। इसमें अभी टाइम है, 8 घंटे हैं तकरीबन। आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखाऊंगी, ये देखें, इस वक्त भी जो है वो बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। देखें मेरे पीछे जो है माशाल्लाह फूल भी लगे हुए, आप देख सकते हैं, और बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं इस वक्त भी। अज़ानें शुरू हो गई, तो इंशाल्लाह जो है मैं इस ब्लॉग को रात को कंटिन्यू करूँगा, आप लोगों को ताजमहल दिखाऊँगा, अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊँगा कैसा है दिखने में, ठीक है, और फिर खाने शाने भी दिखाऊँगा कि क्या हमें सर्व होने जा रहे हैं, तो ब्लॉग को आखिर तक देखिएगा। अच्छा जी, तो आप लोग ये सामने देख सकते हैं कि लाइटें जहाँ जहाँ आगे जाती जा रही हैं ना, तो वो सामने जो है वही है होटल जिसका मैंने आपको बताया था कि जिसका नाम है ताजमहल, ठीक है। देखें हर तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वो जो जगह है वो चमक रही है क्योंकि वो नया नया होटल बना है और साथ में वहाँ पे पूरा लाइटिंग हुई हुई है, आप देख सकते हैं कि लैंप्स ऑन किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो है हम लोग आगे जाएंगे और होटल जो है आपको अंदर से भी दिखाएंगे। ये खलबट टाउनशिप में लोकेटेड है, आप लोगों के सामने एरिया जो है तो काफ़ी अंधेरा है इस वक्त, लेकिन उस तरफ जो है वह लाइटिंग हुई हुई क्योंकि वो होटल है और वहाँ पे आज शादी का खाना लगने वाला है, जो कि अभी हम लोग खाने जाएंगे। ये हम लोग जो हैं जा रहे हैं ताजमहल, मेरे साथ ये हमारे जो हैं वो दोस्त ही हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो ये हम लोग जो हैं साथ में जो हैं काम भी कर रहे हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस में, प्रोजेक्ट्स पार्टनर भी हैं एक तरह के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये मुझे मिले हैं, ये कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ, तो फिर हम दोनों साथ ही जा रहे हैं। सामने की तरफ देख रहे हैं, हाँ जी, आपको नज़र आ रही होगी, हाँ लाइटिंग चेक करें ज़रा, तो दूर से अगर हम लोग बहुत ही पीछे से हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक ही लाइट है, यानी कि एक उस पर लगी हुई है और जो ताजमहल होटल है, लेकिन असल में ये जो है ना वो ढेर सारी लाइटें, हाँ ना मैं पहले भी आई वीडियो बनाई ना मैंने, अच्छा। मैं पहले वीडियो बनाई, अच्छा, हाँ। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अंदर से कैसा होगा, और इनका जो बिल बना है वो भी तकरीबन ये भी सुनने में आया 18 लाख से ज़्यादा ही बना है, तो अब देखते हैं कि अंदर डिशेस कौन कौन सी होती हैं और कैसा वक्त गुजरते हैं, अब पता लगेगा लोगों से उनका। आपको जो है सारा हॉल भी दिखाएंगे और मुख्तलिफ लोगों से भी गपशप होगी जो आते रहेंगे साथ साथ, हाँ। मैं ज़रा पत्ती ऑन करें इसी, अच्छा जी, तो अभी हम लोग ये जो है जा रहे हैं, पहले अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था और अभी भी बहुत ज़्यादा ही, शुक्र है लाइट लगा दी है आगे, और नहीं तो अभी मिट्टी का ढेर था जिसमें मैंने घुस जाना था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, शुक्र है ये लाइटें लगी हुई हैं। नाजरीन ये जो है ना हमारे बहुत ही घर के करीब है, इस वजह से हम लोग पैदल आए, बहुत ही करीब है ये, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हम लोग जो है लेट नाइट फंक्शन भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं, हमारा घर सामने ही है, ये बहुत बड़ी सहूलत है हम लोगों के लिए कि ये यहाँ पे बन गए। तो वैसे तो हमें हरिपुर जाना होता था, हरिपुर हमसे तकरीबन 40-45 मिनट दूर है, लेकिन अब ये देखें ये इमरान शाह चौक है, तो इसके बिल्कुल सामने ही है, ये देखें हम करीब आ गए, आप लोगों के सामने जो है इसका व्यू क्लियर होता जा रहा होगा, तो देखें जी लाइटिंग भी हुई हुई है आप लोगों के सामने,
बाकी सारे ना कोई ये तो देखें ट्रक आया, सारे बच्चे उसमें बैठे हुए आप देख सकते हैं। ये भी जो है होटल की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये हाँ जी, तो पहले आप जा सकते हैं। हाँ जी, और इसमें गाड़ी जाना है, तेज बोले थोड़ा, मतलब इसमें ये एडवांटेज है, गाड़ी आपके पास नहीं भी है तो आप पैदल भी आ सकते हैं। सही। इसमें अराउंड अबाउट कोई इसमें 4 to 5-6 बिलियन प्रोजेक्ट है, अभी आप सामने देख सकते हैं लाइटिंग को जी। और इसमें एक हॉल नहीं है, इसमें मोर देन 20 हॉल्स हैं। और इसमें जो है ना सुनने में एक मोटे 100 रूम्स हैं। 100 रूम्स जी, 100 रूम्स देखें जी, और बहुत बड़ी बात है। सिर्फ रेंटल जो है ना बिल जो है वो राउंड अबाउट 2.5 to 3 लाख का है एक इवेंट का। तो 100 रूम्स ही बुक करने होते हैं, ये भी ज़रा बताएंगे। स्पेसिफिकली आप डिपेंड करता है आप कौन कौन सी सर्विस चाह रहे हैं, तो सर्विस पे डिपेंड करते हैं। तो पार्टी से म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद फिर वो सर्विस के मुताबिक दी जाती हैं। तो इसमें लेडीज़ के लिए अलग अरेंजमेंट्स हैं और जेंट्स के लिए अलग अरेंजमेंट्स हैं। तो अभी आप सामने एंट्रेंस गेट देख सकते हैं, यहाँ से एंट्रेंस है मेन और साथ ही पार्किंग है, पार्किंग से बिल्कुल जी। तो ये फैसल भाई इनको ज़्यादा पता है मेरे से, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन्होंने विजिट किया पहले, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो इसको बनने में जो है ना राउंड अबाउट 6 ईयर लगे हैं। 6 ईयर्स के बाद जाके ये आपके सामने ये प्रोजेक्ट अभी आप देखेंगे। इतने 6 ईयर्स तो मुझे पाकिस्तान आए हुए हैं, इससे पहले तो मैं सोदिया में रहा हूँ। तो पाकिस्तान में और स्पेशली हरिपुर के अंदर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दी गई है यहाँ की फैमिलीज को, तो उनको दूर जाना पड़ता था और अभी ये उनके बिल्कुल डोर स्टेप पे है, आने जाने की आसानी है। अभी आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। हाँ जी, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं हमारे। तो अभी ये एंट्रेंस आ गई आप लोगों के सामने, माशाल्लाह देखें ज़रा। एक इस्लामाबाद की लुक आपको लग रही होगी कि जैसे इस्लामाबाद का माहौल होता है, यहाँ पे आपको वो लुक दे रहा है कि आपको लग रहा होगा जैसे आप इस्लामाबाद में आ गए, उससे पीछे आपको लग रहा होगा जैसे आप जो है ना किसी गांव से आए हैं। एग्जैक्टली जैसे कि आप यहाँ पे एंटर हुए हैं तो आपको सामने पार्किंग नज़र आ रही होगी, और जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे, और उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं ह्यूज रिस्क है, लेकिन फिर भी सुनने में आया कि बैक टू बैक यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं क्योंकि सीज़न चल रहा है। हाँ, शादियों का सीज़न है, दरअसल सर्दियाँ भी हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है और अच्छा भी लगता है, मतलब बंदा जो होता है। मेरे ख्याल में हम जो है ना राउंड अबाउट गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ से एग्जिट होता है। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम होता है, बंदा इसी तरह जो है लड़कता रहता है, घूमता रहता है। एंट्री का आइडिया और से और एग्जिट और एग्जिट वाली साइड से आ गए, चले कोई नहीं, गाड़ी तो नहीं है हमारे पास, मसला नहीं है। यहाँ से आप पिक्चर भी ले सकते हैं, खाले जी मड़ी भी तस्वीर कहने था अपना एक माशाल्लाह ज़बरदस्त ही होंगे यार, बहुत बड़ी सहूलत है यार। कार्ड डायरेक्टर जी, तो आप ये सामने देख सकते हैं, फिर वो जो है रिसेप्शन पे बंदे खड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदार ही सारे, हम लोग जाते हैं उस तरफ भी। इतना अच्छी नहीं लगी ये तस्वीर, बनाते हैं था सेल्फी पे। हम लोग रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं आप लोगों के सामने, ठीक है जी। तो हम लोग अब जो है रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं आप लोगों के सामने, लोग जो है फोटो सेशन अपने अपने कर रहे हैं, और जो नया नया बना है तो हर कोई नया नया आया हुआ है, तो उस वजह से हर कोई फोटो सेशन कर रहे हैं। हाँ बड़ी बोल रहे हैं, तो अगे हुए जी। तो ये जो है अंदर से आप लोगों के सामने व्यू है, कौन कौन, हाँ वो अबू थे ना, अबू थे सारे आए, चाचू थे, अबू चाचू नाले बैठा लेना, दो बंदे सीट थी ना, उसमें बैठू ना। Thank you.
या पहले ऐसे ही जो था वेटिंग रूम के आई हूँ पता नहीं समझ नहीं आई बड़ा शार्ट है वेटिंग रूम से। हाँ देखें ये वेटिंग रूम है जी। हाँ गपशप कर रहे हैं अभी जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी जो है वो आए हैं तो वेटिंग रूम है, अभी देखते हैं सारे मेल भी बैठे हैं सभी अपना है ना वेटिंग रूम में जब किया था बैठा लेते बैठा ही क्या ये तो मैंने जो है ये साउंड को म्यूट कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड में इधर ही होटल के अंदर गाने लगे हुए थे, इस वजह से क्योंकि आप लोग पता है कि फिर YouTube की तरफ से स्ट्राइक आ जाती है इस वजह से। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं कि होटल बहुत प्यारा है अंदर से माशाल्लाह। जी कमर नाना आ गए मेरे, इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता रहता है वैसे, तो ये जो है वो आ रहे हैं सामने से। अब पता नहीं इधर आके बैठते भी हैं नहीं क्योंकि उनको नज़र नहीं आता। ये तो इधर ही आ गए जी कौन ना, आ जाए अंदर आ जाए, आप आगे जाए कोने में जाए आप। ये अक्सर जंग भी मैंने म्यूट इसी वजह से किया हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा हुआ है, इस वजह से, नहीं तो मैं लाजमी जो है आप लोगों को सारा कुछ सुनाता जो भी हमारी बातें होती हैं आपस में।
जी तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे खाना लगेगा, आप लोगों को वो भी दिखाएंगे कि क्या कुछ उसमें हमें दिया गया है। ठीक है, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। जी तो आपको ये जो बास्केट में बंदे नज़र आ रहे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनकी बेटे की शादी है और ऊपर ड्रोन में भी आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। सब बंदे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आप लोगों के सामने की जगह जो है वो शॉर्ट हो गई है, कुर्सियाँ और मेज़ें जो हैं अभी मेरा ख्याल है ये लोग और लाएँगे जो भी है इधर की ताजमहल की। जी तो अभी ये टेबल हमारे सामने लगी है, ठीक है, इससे पहले जो थी जगह यहाँ पे खाली थी आप लोगों के सामने। ये बोतलों की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है, बोतलें हमारी टेबलों पे रखनी शुरू कर दी। चलिए तो दूल्हे भाई भी आ गए आप लोगों के सामने, वो देखें टेबल पर बैठे हैं, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। जी तो हम लोगों ने प्लेटें अपनी जो हैं अलग अलग कर ली हैं और अभी ये प्लेटर आ गया आप लोगों के सामने, इसमें कॉम्बी पुलाव है आप लोगों के सामने, सीख कबाब है और चिकन है। चिकन थे अच्छा अच्छा वही अच्छा जी मीठे में जो है ये कितने ना जी हलवा है और चावल है। नहीं सामने से पिक्चर बनाओ, मैं आपको भेज दूंगा ना, इसके कैमरे बहुत अच्छे हैं, फिर आपके वाले से पिक्चर निकालो सारा कुछ। हाँ साउंड वाले के पास जाओ, उसको बोलो माइकल जैक्सन का लगा दें गाना। माइकल जैक्सन? हाँ माइकल जैक्सन जाओ। इसी वजह से ज़्यादा मज़े के अच्छा जी हमने तो वॉइस ओवर लगाया था कि छोटे ये इसका नाम भी सादी है, तो इसको बोला था कि अंदर जाके बोलो कि माइकल जैक्सन गाना लगा दें। ये मेरी हाला का बेटा है, तो अब ये जो हमने गाना लगवाया था शुगल में लगवाया था, ताकि उसका भी वो फिर पैसे देते हैं ना रात को जो है वो आपडा पे चले, ठीक है, तो उसका बन रहा है 3.5 लाख रुपए। जी तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं वापसी जा रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा ये एकदम ही लगा था काफ़ी दफ़ा इसको वापस भी भेजा था छोटे को उन्होंने कि गाने का नाम क्या है, गाना इसके बाद लगेगा इस टाइम लगेगा, लेकिन आखिर में हर घर लगवा ही दी हम लोगों ने। बस गाने के लगवाने के पीछे एक वजह भी है जो कि इस वजह से हम लोग हंस रहे हैं। जी अभी हम लोग जो है ये बाहर आ गए बड़ा अच्छा लग रहा है अभी बाहर आके, क्योंकि आपको पता है कि जो मौसम है ना बाहर का थोड़ा ठंडा है, बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे हैं क्योंकि खाना भी हमने खाया है
और अंदर बंदे ज़्यादा नहीं, जिस वक्त 1000 बंदा बैठा हुआ था उस वक्त तो गर्मी फील नहीं हुई, लेकिन अभी जिस वक्त बाहर आए हैं तो अभी जो है अच्छा लग रहा है, अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यह व्यू देखें बहुत ही खूबसूरत है, अभी तक जो है लाइटिंग हुई भी है। ये जो आपके सामने लाइटें चमक रही हैं ये दरअसल चमक नहीं रही, ये बस यहाँ पे इस तरह कैमरे में शो हो रहा है और ये सब चमक नहीं रही असल में। तो ये आप लोगों के सामने व्यू बाहर का, तो बहुत खूबसूरत जगह है। अभी ये फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अपना। अच्छा जी, तो ये रिसेप्शन वाली जगह आप लोगों के सामने है, लोग आए हुए हैं। दफा मिले में मुझे बैठे बैठाए हुए एक रुपया तो ऐसा कर देते हैं ना, मुझे तेरे को तो तेरे बैग दी के अकाउंट में बैठे बैठाया होगा, बैठे बैठे स्ट्रीट दस तो होगा बैठे बैठाए पड़ेगा इन दरवाजा बंद की तेरा ना अंदर ही चलो ना काओ तो भाई सोन फोटो नहीं आए जो तेरे काल जुन में ये तो शलंगा मारनी पे नहीं वो कुछ ना होता तो सीने लगी नहीं ना सीने ने खुल ऐसे व्यू ऑन होता है ऐसे व्यू ऑन होता है ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਰਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਆਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਾਤ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜੀ ਸਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਗ ਚੈਨਲ ਪਰ ਨਏ ਹੈ ਤੋ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ ਔਰ ਕਲਿੱਕ ਔਰ ਟੈਪ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਪਰ ਔਨ ਆਲ ਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਰ ਨਏ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗਸ ਪਹੁੰਚਤੇ ਰਹੇ।